उत्तर कोरिया पहुंचने पर रूसी राष्ट्रपति तानाशाह किम जोंग उन के द्वारा किए गए स्वागत से खासे खुश नजर आए। आखिर वो भी क्यों ना, उत्तर कोरिया उन चंद देशों की फेहरिस्त में शामिल है जहां दूसरे देशों के लोग कम ही नजर आते हैं। और अब जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया पहुंचे हैं तो उनका शानदार स्वागत किया गया। रेड कार्पेट बिछाए गए, पोस्टर लगाए गए। किम जोंग उन ने पुतिन के जहाज से उतरते ही उन्हें गले लगा लिया। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा है कि पुतिन आखिर उत्तर कोरिया के दौरे पर क्यों गए हैं। तो आपको बता दें कि रूस और उत्तर कोरिया के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ है जिसके लिए पुतिन उत्तर कोरिया गए। नए समझौते के तहत दोनों देशों में से किसी पर भी हमला होने की सूरत में दोनों देश एक दूसरे को तत्काल सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने अपनी एक खबर में देश के नेता किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच प्योंगयांग में हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते की जानकारी दी है, जिसमें कहा गया कि समझौते के अनुच्छेद 4 के अनुसार अगर दोनों देशों में से किसी भी देश पर हमला होता है या फिर युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो दूसरे देश को बिना किसी विलंब के सैन्य व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करनी होगी। इस समझौते को कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद से मॉस्को और प्योंगयांग के बीच सबसे ज्यादा ताकतवर और बड़ा समझौता माना जा रहा है। किम और पुतिन ने इस समझौते को दोनों देशों के लिए एक बड़ी उपलब्धि करार दिया है। रूस को सहायता देने के लिए उत्तर कोरिया अपने हथियारों के जखीरे में भी बढ़ोतरी कर रहा है, इसलिए आए दिन उत्तर कोरिया हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है। रूस और उत्तर कोरिया के बीच ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और उसके सहयोगी देश मॉस्को और प्योंगयांग के बीच संभावित हथियार समझौते को लेकर चिंता जता रहे हैं। वहीं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने समझौते के बाद कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता है और ये अब तक का सबसे शक्तिशाली समझौता है, जबकि पुतिन ने इस पर कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की साझा इच्छाओं को दर्शाता है।